हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निम्रा वर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फेम गोल्ड ब्लीच का डेमो लेकर आई हूँ। ये मैं खुद के फेस पे करूँगी, तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा फेयर टोन है थोड़ा स्किन का, तो क्योंकि फेम गोल्ड ब्लीच अधिकतर फेयर स्किन पर करो तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो इस प्रकार का इसका बॉक्स है, ये मैं निकाल कर रखी हूँ। ये पैकिंग है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको कैसे यूज करना है, क्या है। और इससे 15 मिनट इसको फेस में रखना है, ओनली 15 मिनट। इसमें लिखा है कि 15 मिनट में आपको ग्लो दे, बहुत अच्छा सा ग्लो दे देगा। पर जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट रखो, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। किसी की अच्छी होती है तो थोड़ा सा सहन कर लेता, पर हर किसी की स्किन ऐसी नहीं होती कि जो सहन कर सके अपने फेस में ब्लीच को जल्दी से, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये अपनी स्किन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मिनट रखना है। आपके बाल अगर जल्दी गोल्डन हो जाते हैं तो आप निकाल लीजिए। कई लोग क्या एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कई लोगों के क्या है आजकल बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में अगर एक्टिवेटर डालते हैं तो बाल ही गोल्ड नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं आता था। अब चाहे वो ब्लीच का एक्टिवेटर का हो, चाहे फेस का है, जो भी हो, पर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे किस क्वांटिटी में लेना है। आप इसमें से ब्लीच निकालेंगे, मैं अपने से फेस के अकॉर्डिंग ही इसको निकालती हूँ। सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें। पहले मैं आपको इसका मिक्सर मिक्स कैसे करेंगे ये बताती हूँ। ये मेरे फेस की अकॉर्डिंग, मैं अपने फेस में बहुत देर तक ब्लीच को नहीं रखती, ओनली 5-7 मिनट बस। ये देखिए, आपको इसका ध्यान रखना है कि ये कटोरी प्लास्टिक की है, स्टील की नहीं होनी चाहिए। स्टील के बर्तन में चाहे कटोरी में जो भी हो, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं वो सीधे कटोरी उठाते हैं और अपना ब्लीच बना लेते हैं। इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अब तो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया है, क्योंकि अधिकतर लोग घर पर ही करते हैं ब्लीच। फिर भी मेरा काम था बताना, तो मैं बताई आपको कि आपको कैसे क्या करना है। आप इसमें एक्टिवेटर को निकालें, एक्टिवेटर आप फेस के अकॉर्डिंग करें। देखो क्या होता है, किसी के फेस में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो उस हिसाब से आप एक्टिवेटर का यूज करें। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या कस्टमर खुद बता देते हैं कि मेरी स्किन सेंसिटिव हो, कई लोग क्या फेस को देख के ही पता चलता है कि इनकी स्किन सेंसिटिव है, तो एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ा कम करें। अब मेरे फेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इतने बीच में ये। आप क्योंकि हम लोगों को ना ब्लीच कर करके ना इतना अंदाजा बहुत अच्छे से हो गया है कि कितना क्या ब्लीच ब्लीच में एक्टिवेटर। देखिए ये इस प्रकार का स्पून है, अगर आप ये पूरा भर कर लेते हैं तो आप समथिंग इतना एक्टिवेटर आप डाल सकते हैं, इससे भी थोड़ा कम डाल सकते हैं। ठीक है, ये अंदाजा के लिए। अगर आप हाफ इससे हाफ देते हैं तो इसकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए। ठीक, ये अंदाजा है आपका, क्योंकि हम लोग अब अंदाजे से इसके थ्रू नहीं करते हैं। हम लोग को आइडिया होता है इतना क्रीम है, हमको इतना एक्टिवेटर डालना है फेस के अकॉर्डिंग। तो ये आपके लिए थोड़ा आसानी होगा कि आपको कैसा करना है। बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेस को प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों के पैचेस बन जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। अगर पैचेस बन जाते तो आप तुरंत गुलाब जल तो ठीक है, पर एलोवेरा जेल या कुकुम्बर जेल जो होता है आप अपने फेस में उसी जगह पर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसी एरिया में आप लगा लें। इससे ये होगा कि जो थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम जलन हो रही है कुछ है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगर ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ये मेरा मैं क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं जो खुद से ब्लीच करते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं एलोवेरा जेल से मसाज देके उनको चंदन पाउडर लगा देती हूँ, जिससे कि उनको काफ़ी राहत मिलती है और दाग भी नहीं आते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो
आप करिए। और चलिए हम बातें करते करते बहुत टाइम हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए इसमें आप गुलाब जल मिला लीजिए। गुलाब जल है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल जो पानी होता है थोड़ा सा एक दो बूंद उसमें डाल सकते हैं। मैं अपने फेस को क्लीन करके फिर इसको फेस में लगाती हूँ बस 2 मिनट बाद। ये मैंने इसमें क्लींजिंग मिल्क ले ली है और इसको फेस में अप्लाई कर लिया। आपके पास क्लींजिंग मिल्क है तो ठीक, नहीं तो आप दूध का भी यूज कर सकते हैं, पर आप साबुन का यूज ना करें। साबुन का यूज करने से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी काफी फेस में, तो कभी साबुन का यूज ना करें, क्योंकि साबुन का यूज करने से क्योंकि ड्राई हो जाती है और फिर जलने ज्यादा लगता है। तो मेरे फेस में थोड़ा सा मेकअप था, ये मैं रिमूव कर दी हूँ। पूरा नेक में सारा चीज अच्छे से क्लीन कर लें और फिर सारे पूरे पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक लगाएं। फेस के हिसाब से निकालें, आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा आप मसाज कर लो, नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे हिला सकते हो। इसमें हम गुलाब जल मिलाएंगे, इस तरीके की बोतल में मैंने इसमें भर कर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज में आता है तो बड़ी बड़ी बॉटलें हम मंगवा के रखते हैं और ऐसे नॉर्मल वाटर में भर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से मिक्स करेंगे, मिक्स बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जो एक्टिवेटर है ना वो अच्छे से क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना तो ज़्यादा जलन नहीं देता है। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और आइस के एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करें। सबसे पहले यहाँ लगा लें, इससे क्या होगा कि हमारा टाइम थोड़ा बचत हो जाएगा। ये और ये, यहाँ बाल होते हैं और यही बाल ना जल्दी गोल्डन नहीं होते हैं, और ये अपर लेयर। के सामने बैठ जाओ और आप इसका यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि मैं आईने के सामने ही बैठी हुई हूँ और मैं उसमें भी देखते जा रही हूँ और यहाँ अप्लाई भी कर रही हूँ। कान वान का सारी चीजें उतार दें और फिर इसका यूज करें, कान में भी लगाएं, कान में भी लगाना चाहिए क्योंकि ये फेस तो पूरा हो जाता है पर हमारा कान है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो उसमें भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे फेस नेक सारा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के बाद में आप इसको अप्लाई कर लें 5 to 7 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद क्लीन करेंगे। पूरी ज्वेलरी उतार दी मैंने, उसके बाद मैंने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आपको अगर किसी पोर्शन में बहुत ज़्यादा पिंचिंग होती है तो आप उस जगह से ना उस ब्लीच को हटा दें, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किन सेंसिटिव ज़्यादा हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मिलते हैं 5 to 7 मिनट के बाद, फिर क्लीन करेंगे, फिर देखेंगे कैसे रिजल्ट आएंगे, करेंगे कि हमारा ब्लीच हुआ है कि नहीं हुआ है।
मेरा ब्लीच हो गया। मैं बताई ना, मेरे फेस में बहुत जल्दी ब्लीच होता है। सिर्फ टैनिंग को रिमूव करने के लिए ही मैं अपने फेस में ब्लीच को अप्लाई करती हूँ। ना मुझे पिंचिंग हुई, ना पैचिंग, मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरे आंखों में झार भी नहीं लग रहा है, कि जलन सी होती है ना वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्टिवेटर भी ठीक ठाक डाली हूँ, फिर भी क्योंकि मेरी स्किन ना सेंसिटिव नहीं है, ऑयली है, इस वजह से मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि ब्लीच हो गया है। वैसे मैं चाहूँ तो 2 से 3 मिनट और रख सकती हूँ और थोड़ा ग्लो के लिए, पर उस ग्लो के चक्कर में मेरा ब्लीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी फेस को क्लीन करेंगे। ध्यान रखें कि ब्लीच करते समय आंखों में ब्लीच की किसी प्रकार का आंखों के अंदर ना जाए। ये मैंने ओनली 5 मिनट, इस बार तो मेरा 5 मिनट में ही ब्लीच हो गया है। इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम हो आपके पास, आप उसको अप्लाई कर लें, नहीं तो आप एलोवेरा जेल या कुकुम्बर जेल का यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बताऊं आप लोगों को कि आपके पास चंदन पाउडर है, आप उसका यूज कर लें, ठंडक भी मिलेगी, साथ में जो थोड़ा सा बहुत जो झार वगैरह आंखों में जो जलन होती है उससे भी राहत मिलेगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो अच्छे से पानी से इसको धो लो, वो भी कर सकते हो। फिर इसके बाद कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइजर आप वो अप्लाई कर लो। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, आप भी अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसको फेस को और क्लीन करूँगी, वॉश करूँगी कि मेरे को थोड़ा सा और अच्छा लगे। देखिए दिख रहा है ग्लो। मैं बताई ना आपको, गोल्ड ब्लीच बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अगर आपकी स्किन थोड़ा फेयर है तो। ओनली 5 मिनट में काफी ग्लो कर रहा है फेस। चलिए, मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरा जो सब्सक्राइबर है बढ़े। और ऐसे ही आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।